बड़ी खबर मिल रही है, दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर आज से गाड़ियां दौड़ने लगेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जो पिछले कई दिनों से करीब एक माह से रेल यात्रा बंद था, थलवाड़ा हायाघाट के बीच पुल संख्या 16 के गर्टर पर जो है पानी चढ़ गया था, जिसके वजह से परिचालन ठप था। लाइट इंजन से ट्रायल के बाद अभियंत्रण विभाग ने देर शाम फिट करार दिया है पुल को, और इसके बाद एक बार फिर आज से ट्रेन चलने की संभावना हो गई है। इसकी पूरी जानकारी विभाग को दे दी गई है अभियंत्रण विभाग के द्वारा। करे नदी में बाढ़ के कारण थलवाड़ा हायाघाट स्टेशनों के बीच डूबे पुल संख्या 16 के गर्टर में पानी उतर गया है। रेलवे के अभियंत्रण विभाग ने इस पुल को ट्रेन परिचालन के लिए फिट करार दिया है। अब दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर ट्रेन परिचालन बहाल हो रही है। जानकारी के मुताबिक गटर से पानी मिली और बीती रात उतर गया है। निगरानी के लिए तैनात अभियंत्रण विभाग की टीम ने इसके बाद पुल की जांच की, इसके बाद लाइट इंजन से ट्रायल किया गया है। इसके बाद देर शाम समस्तीपुर मंडल मुख्यालय को इस पुल के परिचालन के लिए फिट होने की सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि यात्री ट्रेन से पहले गुड्स ट्रेन इस पर गुजरेगी, उसके बाद सवारी गाड़ी व एक्सप्रेस ट्रेनें के भी परिचालन शुरू हो जाएगी। तो देखते रहे दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। तो सबसे पहले खबर पर बने रहने के लिए हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी न बजाना भूलें। इसके अलावा Facebook पेज पर भी हमें लाइक कर सकते हैं, जिसके बाद हम तमाम खबरें से आपको रखेंगे अपडेट।